हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य सिंघानिया। आज हम बात करने वाले फिनवेशिया ब्रोकर के बारे में। ये अब तक का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके बारे में मेरे को कम से कम 300 350 डीएम आए हैं ट्विटर पे। चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस वीडियो में सारे के सारे इम्पोर्टेंट चीजें ये ब्रोकर के बारे में कवर कर पाऊँ, और मैं अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा। मैं करीबन ये ब्रोकर को 6 महीने से फुल टाइम इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यूज कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं पहले कवर करूंगा कि फिनवेशिया के बारे में और ये पैसे कैसे कमाते हैं, इसे लेके जो है मतलब उनका इंटरफेस कैसा है, जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। फिर सर्टेन इसके अंदर कमियां क्या है, और मैं इसको जीरोधा के साथ कंपेयर भी करूंगा कि आपको एक फेयर आइडिया है, और अगर आप ये ब्रोकर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या क्या कौन सा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप फिनवेशिया के वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पे लॉग इन पे देखेंगे तो इनके तीन प्राइमरी पोर्टल्स है। एक प्रिज्म है, शून्या है, और इनका बैक ऑफिस है। प्रिज्म जो है इनका एक मतलब मिनी बैक ऑफिस जैसा हो जाता है, जहां पे आप सपोर्ट रिक्वेस्ट वो सब आप रेज कर सकते हैं। शून्या जो है इनका मेन ट्रेडिंग टर्मिनल है। बैक ऑफिस इनका एक पुराना हुआ करता था जो काफी खराब था, अभी न्यू बैक ऑफिस आ गया जो फेयरली बहुत अच्छा और फास्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फिनवेशिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे छोटा ब्रोकर है, बट इतना छोटा ब्रोकर भी नहीं है कंपैरेटिवली। काफी पुराना मतलब इनकी हिस्ट्री रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप पूरी उसकी स्टार्टिंग से हिस्ट्री देख सकते हैं, पर मेनली ये 2016 से जो है एक्टिवली इंडियन ब्रोकिंग के अंदर आए थे। तब से जो है लेके अब तक अगर आप देखेंगे इनके पास सारे नेसेसरी एनएससी हो, बीएससी हो, सारे के सारे लाइसेंसेस है। अगर आप सेफ्टी के टर्म्स पे सबसे पहले आप बोलेंगे ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसा तो है नहीं, आरबीआई रेगुलेटेड है, एवरीथिंग इज देयर इन प्लेसेस। ट्रस्ट के मामले में अगर आप ब्रांड पे ट्रस्ट ना भी करें, मैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन पे फेयरली ये करता हूँ। सब लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ब्रोकर लेवल पे ये क्या है, बट सारे जरूरी लाइसेंसेस इनके पास है, और सच ये इतनी छोटी कंपनी है नहीं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे न्यूज एंड अनाउंसमेंट में, तो ये काफी मतलब इंटरनेशनली भी ये वर्क करती है, एक फिनटेक कंपनी है। अगर आप देखेंगे इसने काफी सारे एक्सपेंशन यूरोप में किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लीडरशिप चेंजेस हुए हैं इनके, काफी सारे मतलब छोटे छोटे कंपनीज है, इन्होंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे उनकी हिस्ट्री अच्छे से देख सकते हैं। मेनली अभी हम लोग फोकस करते हैं इनके मेन प्रोज एंड कॉन्स पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाता है प्राइसिंग पे, कि सबसे जरूरी कि इनका ये क्या एक्चुअल में ये फ्री है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोकरेज के अंदर ऑनेस्टली इनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे इनके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे डिटेल चार्जेस में देखेंगे, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, डीमैट हो, एएमसी, कोई भी चार्जेस इनके है नहीं, और ये फेयरली डिसेंट है। मतलब छोटे मोटे चार्जेस होते हैं ऑब्वियसली, आप डीपी चार्जेस बोलेंगे, आप शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट वो सब नेग्लिजिबल होते हैं। वो सब कॉमन चार्जेस होते हैं, और गवर्नमेंट चार्जेस तो आपको जो लगने होंगे वो तो लगेंगे, बट हाँ एज सच कोई हिडन चार्जेस है नहीं। इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी देखा था रिसेंटली, जस्ट ये थर्सडे का। जहाँ पे ये जो बोलते हैं कि मेरा एक्सपायरी ट्रेड्स था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे ऑर्डर्स जो है पंच किए हैं। इसका आप समरी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि चार्जेस मुझे क्या लगे। सोजन पे मैंने करीबन 300 ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे अराउंड जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 73,000 का कुछ प्रॉफिट किया। मुझे एसटीटी लगा, टैक्सेस लगे, गवर्नमेंट चार्जेस लगे, बट ब्रोकरेज वो सब जो था जीरो था। आफ्टर चार्जेस जो है साइजेबल डिफरेंस आ जाता है। मेरे को जो है ऑलमोस्ट खाली ₹1,000 के चार्जेस पड़े। बाकी जो था प्योर मेरा प्रॉफिट था। चार्जेस के मामले में ये ऑनेस्ट है। अगर यही मैं कोई भी बड़े ब्रोकर के पास ₹20 पर ऑर्डर से पे किया होता तो मुझे इजिली जो है ₹6,000 का तो जस्ट ब्रोकरेज हो जाता था। प्रॉफिट में काफी फर्क आ जाता है। डिपेंडिंग, अगर आप बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स करते हैं मेरे तरह, तो काफी आप ब्रोकरेज में ऑब्वियसली सेव कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर है। अभी सबसे पहले आपको दूसरा चीज भी बताता हूँ। यहाँ पे आप डाउनलोड्स में देखेंगे तो आपको काफी सब इंपॉर्टेंट गाइडेंस वाली चीजें मिल जाती है, और ट्रेडिंग टर्मिनल जो अगर आप डेस्कटॉप भी यूज करते हैं तो नेस्ट की इक्विवेलेंट इनका जो है शून्या का खुद का ट्रेडिंग टर्मिनल, जो फेरली सिंपल एंड इजी टू यूज है। ये कस्टमर रिमोट एक्सेस का टूल, कभी कभी आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना होता है, कुछ पोर्टल में अच्छी होती है तो वो मिल जाती है।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे तो इनका डिटेल एफएक्यू का इन्होंने यहाँ पे सब प्रोवाइड किया, जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे आप उसका डिटेल में चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी हम लोग मेन जंप इन करते हैं कि इनके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले हम लोग शून्य प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, इसका इंटरफेस देखेंगे और फिर उसके बाद जो है डिटेल में भी। सो सबसे पहले अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो काफी सिंपल है, काफी जीरोधा से सिमिलर है। यहाँ पे स्ट्राइक्स आप मूव इन मूव आउट कर सकते हो, आप वॉच लिस्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको अपना अवेलेबल मार्जिन दिख जाता है, होल्डिंग्स की वैल्यू दिख जाती है। अगर आप ऑर्डर सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आपके जो भी डे के ऑर्डर्स हो जाते हैं वो दिख जाते हैं, जीटीटी, ट्रेड बुक, मल्टी लैग ऑर्डर। ये फीचर अब तक चालू नहीं हुआ है, बट ऐसे बास्केट होता है तो फिर आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। सो ये काफी, अगर आप देखेंगे जीरोधा से काफी सिमिलर इंटरफेस है इसका। यहाँ पे आपको पोजीशंस दिख जाते हैं आपके जो भी है, आपको होल्डिंग जो है यहाँ पे दिख जाती है, उसके साथ में आपको सेलेबल नॉन सेलेबल भी यहाँ पे दिख जाता है। सो आपने कितना यूनिट्स प्लेज किया है, क्या किया है, कितने यूनिट्स अनप्लेज्ड है, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। सो काफी अच्छी चीज है। मार्जिन के टर्म्स पे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे आपको टोटल अवेलेबल मार्जिन दिख जाता है, आपका ओपनिंग बैलेंस दिख जाता है, होल्डिंग कोलेटरल और मतलब लिक्विड बीज जो मैंने बाय किए हुए उसका भी हेयर कट के बाद आपको दिख जाता है कि कितना मार्जिन उससे मिल रहा है। यहाँ पे आपको यूटिलाइजेशन दिख जाता है और ये टेंटेटिव ट्रेडिंग कॉस्ट भी बहुत ही अच्छा फीचर है, जहाँ पे आपको पता चल जाता है। सो यहाँ पे ब्रोकरेज तो है नहीं, पर गवर्नमेंट चार्जेस वो सब आप दिन भर में अप्रोक्स इतना पे करोगे उससे आपको फेयर आइडिया आ जाता है। ये इनपुट जो जैसे आप देखेंगे पोजीशन में यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे मतलब दिख रहा है मार्जिन के फॉर्म में कि ये नेक्स्ट डे मतलब मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा उस टर्म्स पे। ऑब्वियसली ये चार्जेस माइनस होने के बाद, जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो माइनस होने के बाद क्रेडिट होगा, बट दैट्स व्हाट इट इज। सो यहाँ पे इंट्रा डे डिलीवरी मार्जिन ये सब जो है कॉमन चीजें हैं और इस पर आपको टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोज यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सो हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी के टर्म्स पे, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो और टीओटीपी ये जो है पिछले मंथ से मैंडेटरी हो गया है, बहुत ही अच्छा फीचर है, सिक्योरिटी के टर्म्स पे बहुत ही जरूरी था। ऑर्डर प्रेफरेंस में अगर हम लोग आते हैं सो हम लोग यहाँ पे प्रीसेट कर सकते हो ऑर्डर। सो सपोज अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो और आपका एक फिक्स क्वांटिटी होता है जो आप रेगुलरली यूज करते हो, जैसे सपोज अगर आप 40 लॉट्स में यूज करते हो, जैसे मैं 40 लॉट्स में यूज करता हूँ, सो यहाँ पे मैं प्रीसेट कर सकता हूँ। अभी ये 20 लॉट्स को ऑर्डर टू पार्ट्स में मतलब मेरे को इन्वेस्ट करना है, सो जस्ट मैंने यहाँ पे किया और ये प्रीफिल होके आ रहा है यहाँ पे 20 लॉट्स। सो दूसरा फीचर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट प्रोटेक्शन भी साथ में ही है। यहाँ पे जो है ये देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये खाली जो है ऑर्डर प्रेफरेंसेस में मैंने दो चीज डाली हुई है, यहाँ पे जो है प्रीसेट कर दिया है मैंने मार्केट ऑर्डर पे, तो हर बार आपको जो है ये चेंज ना करना पड़े, आप यहाँ पे प्रीसेट कर सकते हो मार्केट ऑर्डर से आपका जाएगा। और ऑर्डर प्रेफरेंसेस में आप कौन कौन से कैटेगरी में, और यहाँ पे 8% का मतलब है ना मार्केट मार्केट प्रोटेक्शन डाल कर रखा है, यानी सपोज आप 50 रुपीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो, 54 के ऊपर या 46 के नीचे है, मतलब वैसा नहीं होगा। सो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है, बिकॉज काफी बार जो है पास में इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि जहाँ पे फ्री ट्रेड होते थे, सो वो अवॉइड करने के लिए काफी जरूरी ये फीचर है और काफी अच्छा फीचर भी है। और यहाँ पे दूसरी चीज अगर आप देखेंगे ऑर्डर प्रेफरेंसेस के अलावा लॉगिन वो सब, तो बाकी सब चीज नॉर्मल है। चार्ट्स पे अगर आप आएंगे सो हाँ, चार्ट प्रेफरेंसेस में वो तो नॉर्मल चीज है, चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू वो सब चीज देख सकते हैं। सो वो सब के बारे में लोग डिटेल में करते हैं। सो अभी यहाँ पे एक दो जो क्रिटिकल प्रॉब्लम जो आए मुझे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये प्रीफिल हो के आता है तो काफी फास्ट हो जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए काफी सिंपल हो जाता है। ये प्रीफिल का फीचर मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, बिकॉज आपको पता होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट आप कितने कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे जब मार्केट का मूवमेंट फास्ट होता है तो यू कैन इंस्टेंटली प्लेस द ऑर्डर। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक जगह जहाँ पे इशू आता है मुझे कभी कभी, अगर आप यहाँ से पोजीशन एग्जिट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, काफी बार क्या होता है कि ये जो आपने स्ट्राइक सिलेक्ट किया होता है वो फिल होके नहीं आता है, कभी कभी क्या हो जाता है नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट उसके नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कोई भी फिल होके आ जाता है। तो आई थिंक ये यहाँ पे माइनर सा बग है,
ये हमेशा नहीं होता है बट कभी कभी होता है, बट मार्केट मूवमेंट के टाइम पे होता है तो काफी इरिटेटिंग हो जाता है। ऑब्वियसली वॉचलिस्ट में आपने ऐड किया होता तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, बट ये समथिंग जो है फिनविशो को यहाँ पे वर्क करना चाहिए और देखना चाहिए इस इश्यू के बारे में। मेन रीजन की मैं जीरोधा से यहाँ पे क्यों मेन मूव हुआ था उसका एक ही रीजन है, मेनली जो है ब्रोकरेज का पार्ट। सो मेरे करीबन जो है 1,500 से 2,500 ऑर्डर्स जो है मंथली बेस पे पंच हो जाते हैं। सो एनीवेयर बिटवीन मतलब 30,000 to 50,000 रुपीज मतलब मेरा ब्रोकरेज जाता था, वो काफी साइजेबल जो है यहाँ पे आने के बाद बच जाता है। गवर्नमेंट चार्जेस वो सब जो मुश्किल से 15-20 हज़ार के होते हैं पर मंथ के, वो ही मुझे पे करना पड़ता है। सो अगर सब कुछ अच्छा है, सो काफी जन पूछते हैं कि व्हाई फिनवेशिया इज नॉट दैट फेमस। सो ये देखिए कोई भी ब्रोकर जो है डिस्काउंट ब्रोकर भी आप बोलो और 20 रुपीज पर ऑर्डर के आसपास चार्ज करता है, बट उनके अफिलियट्स होते हैं और ज्यादातर लोग जो है एडवर्टाइजमेंट पे बहुत स्पेंड करते हैं। बट फिनवेशिया जो है एडवर्टाइजमेंट पे बिल्कुल स्पेंड नहीं करते हैं, इनफैक्ट उनके एड्स हैं नहीं, यूट्यूब छोटा सा चैनल है उस पर भी खास वीडियोज हैं नहीं इनके। बट ज्यादातर जन जो है वही चीज प्रमोट करते हैं जहाँ पे उनको ब्रोकरेज किकबैक कहाँ पे मिलता है। काफी सब ब्रोकर्स तो 80-90% तक भी किकबैक देते हैं अपने अफिलियट्स को। सो ये लोग जो है मेनली कुछ ब्रोकरेज देते नहीं, इनका अफिलियट भी है प्रोग्राम बट उस पर कुछ 20 या 50 रुपए ही वन टाइम मिलते हैं। देर इज नथिंग एज सच की ये है, तो ऑब्वियसली कोई भी रेकमेंड नहीं करता है। और फिनवेशा फिर भी काफी नया है, अगर ये लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉपुलर होने लगा है, 1-2 साल में और पॉपुलर फ्यूचर में होगा। बट देखते हैं उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम लोग मेन चीजों पे बात करते हैं कि फिनवेशा वर्सेस जीरोधा की आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे जब आप एक ये ब्रोकर से अगर आप जीरोधा से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो। सो सबसे पहले हम चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो चार्ट्स के मामले में अगर हम लोग देखेंगे, सो मैं शून्य का प्लेटफॉर्म का चार्ट्स मैंने ऑनेस्टली कभी यूज नहीं किया है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप चार्ट्स कोई भी ओपन कर रहे, सपोज मैंने ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोला हुआ है, आप यहाँ पे चार्ट खोलते हैं, यहाँ पे आप बाय या सेल करते हैं तो फिर ये पूरा की पूरा डिसअपियर हो जाएगा। दूसरा ये चीज जो है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करके भी खोल सकते हैं बट आप चार्ट को न्यू टैब में नहीं खोल सकते। सो ऑब्वियसली अभी आप बाय या सेल का ट्रांजेक्शन करेंगे के बाद ये जो है चार्ट डिसअपियर हो जाएगा। सो आपको वापस पूरा के पूरा चार्ट खोलना पड़ेगा। आप वो टाइम पे जो है यही चीज अगर आप जीरोधा में देखेंगे, आप क्या कर सकते हैं मल्टीपल टैब खोल सकते हैं। जीरोधा में कोई भी चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाता है पॉप आउट का। क्या होता है कि न्यू चार्ट खोल जा रहा है, अब क्या है कि अपना नॉर्मल ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं और पोजिशंस को लाइव देख सकते हैं और फिर यहाँ पे चार्ट को आप फटाक से रिफर कर सकते हैं। सो चार्ट के मामले में एनी टाइम जो है मैं शून्य जो है काफी मैं यूज नहीं करता। सो शून्य का टर्मिनल मैं यूज करता हूँ, जीरोधा लॉग इन में रहता है बिहाइंड में, या आप ट्रेडिंग व्यू कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली चार्ट देख रहे हैं। चार्ट्स के लिए मैं शून्य यूज नहीं करता, खाली ट्रांजेक्शन के लिए यूज करता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीपल लॉग इन ये बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ, अगर मैं दूसरा टैब में वापस खोलूंगा तो शून्य जो है वापस री लॉग इन आ रहा है, एक टाइम पे एक ही विंडो इसका लॉग इन हो सकता है। ये काफी बड़ा पेन पॉइंट है। ऑब्वियसली अगर ये देख सकते हैं आप जीरोधा का, मैंने इतने सारे टैब्स खोल के रखे हुए हैं, प्रॉब्लम ही होता है। सेम पीसी पर अगर सेम लॉग इन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये लोग को मल्टीपल चीजों को ऑप्शन देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ये कब हेल्प करता है पता है, अभी सपोज मैं अलग अलग टाइप के बास्केट ऑर्डर्स बना के रख रहा हूँ, मतलब पुट्स को ऊपर लेके जाना है, कॉल को नीचे लेके आना है, आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन, आप इंस्टेंटली जो है आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, आपको तुरंत जाके आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही चीज अगर प्लेटफॉर्म पे तो मतलब मैं ऑर्डर्स पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे बास्केट ऑर्डर्स पे जाऊंगा, फिर वो वाला मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं प्लेसमेंट करूंगा, तो उसमें काफी टाइम जाता है, राइट? सो एनी टाइम अगर आप बोलेंगे मल्टीपल पॉपिंस हो या तो फिर आपको मल्टीपल टैब्स खोलना हो तो ये सब चीज में काफी अनफ्रेंडली है, बट आप यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिव्स जो है, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस कमोडिटी और इक्विटी अकाउंट, ऑनेस्टली इस मामले में जो है कि फिनवेशा बेटर है। सो ये लोग क्या का क्या है कि इनके सेपरेट मार्जिन नहीं, कमोडिटी हो या इक्विटी हो, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो मल्टीपल कमोडिटी में भी डील करते हो, इक्विटी में भी डील करते हो, तो आपको फिनवेशा बहुत ही अच्छा पड़ेगा क्योंकि इनका एक ही अकाउंट है। ऐसा मतलब आप देखेंगे तो अलग अलग अकाउंट्स नहीं है, कमोडिटी और इक्विटी का आपको साथ में कंबाइन मिल जाएगा। यही चीज जो है जीरोधा के अंदर आप देखेंगे कि कमोडिटी का आपका अलग मार्जिन है और इक्विटी का मार्जिन अलग है, तो इस मामले में फिनवेशा ने बहुत अच्छा किया है कि एक ही अकाउंट रखा है, तो आप सपोज यहाँ का मार्जिन वहां पे यूज कर सकते हैं, वहां का मार्जिन यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। पेमेंट की बात करें, अगर आपको पैसा डालना हो ब्रोकर के अंदर या निकालना हो, उस मामले में ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फिनवेशिया इज मच 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 बेटर।
अगर मैं बैंक से अगर आईएमपीएस करता हूँ फिर शून्य के अंदर या फिर वेशा के अंदर, जब मैं पेमेंट डालता हूँ 10 सेकंड के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इतना ही नहीं मेरे को व्हाट्सएप के अंदर 10-15 सेकंड में कंफर्मेशन भी आ जाता है कि आपका डिपॉजिट हुआ है। टेक्नोलॉजी के मामले में आई डोंट नो कि फिनवेशिया क्या यूज करते हो, बट बहुत ही ज्यादा फास्ट है। पे आउट के टर्म्स में भी आप बोलेंगे तो फिर फिनवेशिया में अगर मैं 2-3 बजे अगर रिक्वेस्ट प्लेस कर देता हूँ तो मेरा 6-7 बजे तक जो है पैसा आ जाता है सेम डे मेरे अकाउंट पे, जीरोधा के केस में जो अगले दिन पे आता है। सो जीरोधा के अंदर अगर मैं पेमेंट डालता हूँ 1 मिनट से 5 मिनट आईएमपीएस भी मैंने किया तो लग जाते हैं रिफ्लेक्ट होने के लिए, कभी कभी थोड़ा और भी डिले हो जाता है, बट 1 से 5 मिनट स्टैंडर्ड ही लगता है, कम से कम 2 मिनट लगते हैं। और कैश आउट अगर मैं करूंगा जीरोधा के अंदर सेम डे पे तो जनरली नेक्स्ट डे पे पेमेंट आता है। तो बैक ऑफिस की अगर बात करें, बैक ऑफिस में आई थिंक जीरोधा का कोई कंपैरिजन नहीं है। आई डाउट कि कोई भी ब्रोकर है जो जीरोधा से मतलब दूर दूर तक कंपेयर कर सकता है बैक ऑफिस के मामले में, बट फिनवेशिया का न्यू बैक ऑफिस काफी बेटर है पहले से, जो मतलब काम कर लेता है, बट ऑब्वियसली जितना जीरोधा का अच्छा उतना नहीं है। ऑर्डर पंचिंग के मामले में आप बोलेंगे तो ये देखिए, आपको एक फीचर मैंने ये काफी अच्छा बताया था कि मतलब आप प्रीफिल करके मतलब काफी फास्ट एग्जीक्यूट कर, बट जीरोधा के केस में कैसा है कि दे हैव अ स्ट्रिक्ट फीचर। सो यहाँ पे जो है काफी अच्छा ये फीचर हो जाता है। सो सपोज आप देखेंगे जीरोधा के केस में अभी यहाँ पे मतलब मैंने एक स्टिक फीचर ऑन करके रखा हुआ है। सो अभी आपने कोई भी ऑर्डर डाला, आप यहाँ पे ये स्टिक होगा, अभी मैं बाय करूंगा तो ये जाएगा नहीं, ये यहाँ पे ही खड़ा है। सपोज यहाँ पे जो अभी मैं बाय करता हूँ तो मेरे को वापस वो टैब खोलना पड़ता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टिक फीचर नहीं है। सो क्या है कि ये पोजिशन एंटर करते टाइम पे सपोज आप स्केल्पर है, मतलब आपको मल्टीपल ऑर्डर्स डालने हैं फास्ट 1 2 3 करके, सो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जो जीरोधा के अंदर बहुत ही फास्ट वे में हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम पे बास्केट ऑर्डर तो मतलब इनफैक्ट ये जो होते हैं बल्क ऑर्डर, सपोज यहाँ पे 5000 क्वांटिटी सपोज मुझे करना है, सो यहाँ पे अगर मैं सेल करूंगा सो ऑब्वियसली जो फ्रीज लिमिट ये है, सो ऑर्डर स्लाइसिंग, राइट, दिस इज द राइट टर्म, ऑर्डर स्लाइसिंग का फीचर यहाँ पे भी है। यहाँ पे जीरोधा के अंदर वो आइसबर्ग ऑर्डर करके आप कर सकते हो, सो आई थिंक वो इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट, बट ऑब्वियसली स्मूथनेस के मामले में जीरोधा से थोड़ा काफी बेटर हो जाता है ऑर्डर अगर आपको फास्ट प्लेस करना होता हो। दूसरा चीज स्केल्पर्स के लिए अगर आप बात करेंगे ऑनेस्टली जीरोधा इज मच बेटर। इंट्राडे के लिए डिबेटेबल है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आप बहुत फास्ट मतलब सेलिंग करते हैं तो फिर जीरोधा थोड़ा सा बेटर है इस मामले में। पोजीशन अगर आपको हेज लेनी है, सो अगर बात करूं इस मामले में तो जीरोधा के अंदर जो है ओए रेस्ट्रिक्शंस काफी बार आ जाते हैं, और आपको हेज पहले लेने पड़ते हैं, ले नहीं पाते, आपको पहले पोजीशन सेल करना पड़ता है, फिर आपको हेजेस बाय करना पड़ता है, तो आपको जीरोधा के अंदर मल्टीपल ऑर्डर डालना पड़ता है, काफी रिजेक्शन भी आते हैं। सो वो ओए रेस्ट्रिक्शन जो है वो ऑब्वियसली फिनवेशिया छोटा ब्रोकर है कंपेरेटिवली, तो वहां पे वो प्रॉब्लम नहीं आती है। सो वो खाली जीरोधा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और आई डाउट की कोई ब्रोकर के अंदर आती है। और आपको नॉर्मल ट्रेड्स करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करना है तो उसके लिए तो फिनवेशिया बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ओवरनाइट ट्रेड्स करना है उस मामले में। बट हाँ, इंट्राडे के अंदर भी इट्स प्रिटी स्मूथ, अगर आप बोलोगे 80% एफिशिएंसी है जीरोधा के सामने, बट कभी कभी जो उनका सिस्टम थोड़ा लैग करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी सर्वर अप टाइम के बारे में बात करें, अब तक जो है 6 मंथ्स में मुझे सिर्फ इसके अंदर 2 बार क्रिटिकल इश्यूज आए हैं। सो अगर आप देखेंगे सो वो डेट था सितंबर 19 एंड तो ये दोनों टाइम पे क्या हुआ था कि ऑर्डर जो है मैं डाल नहीं पाया था, और मतलब एक टाइम पे ऑर्डर एग्जिट नहीं कर पाया था, और एक बार पूरी टर्मिनल कुछ उनका डाउन था। सो ये दोनों बार प्रॉब्लम आया, अपार्ट फ्रॉम दिस कभी प्रॉब्लम नहीं, और ये दोनों प्रॉब्लम्स भी एक बार आधे घंटे के अंदर ही सॉल्व हो गया था, और एक बार जो था डिलेड ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे थे वो पूरा दिन ही था प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट डे पूरा सॉल्व हो गया था। सो उस दिन पे मतलब मैंने ट्रेड नहीं किया पहली बार जब प्रॉब्लम आया था। जीरोधा में भी क्या है कि कभी कभी तो वो प्रॉब्लम्स आते ही है, बट अप टाइम के मामले में एनी टाइम जीरोधा बेटर है। सो इसको मैं ओवरकम करने के लिए भी क्या करता हूँ कि मैं हमेशा बैकअप ब्रोकर ऑन रखता हूँ। सो मेरा जीरोधा का पोर्टल हमेशा ऑन रहता है इन केस कभी कुछ हो जाए। इनफैक्ट वो जीरोधा के केस में भी आपको एक अल्टरनेट ब्रोकर तो रखना ही पड़ेगा, आईसीआईसीआई या कोई भी अदर डिस्काउंट ब्रोकर होगा, कि इन केस कभी जीरोधा का कुछ स्पेसिफिक इश्यू आ जाता है, जो अभी रिसेंटली आया भी था फ्यू मंथ्स बैक। सो आप ऑल्टरनेट जो है हेज लैग अपना सेम पोजिशन को आप बाय बैक कर सके
दूसरे ब्रोकर से, तो उतने आपको थोड़े फंड सरप्लस हमेशा रखने पड़ेंगे, रिस्पेक्टिव आपका कोई भी ब्रोकर हो, तो वो चीज तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। बट अप टाइम के मामले में एनी टाइम ये बेटर है। दूसरा पेन पॉइंट्स में आप बात करें तो प्लेजिंग, प्लेजिंग जो है जीरोधा के अंदर काफी स्मूथ है, बट फिनवेशा के अंदर जो है काफी ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस, आपको CDSL के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है और फिर वहां पे आपको प्लेजिंग करना पड़ता है, उसको बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। फिनवेशा की टीम ने काफी बार रिप्लाई किया कि दे आर वर्किंग ऑन द सिस्टम कि आप अपने डेस्कटॉप से ही प्लेजिंग कर पाए, बट अब तक वो फीचर आया नहीं है, बट इट्स क्वाइट पेनफुल। एक बार आपने प्लेजिंग कर लिया, अनप्लेजिंग काफी सिंपल है, आपको जैसे टिकट रेज करनी होती है, बट प्लेजिंग के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और फिर 10-15 मिनट वहां पे लग जाते हैं। सो दिस इज वन थिंग। मार्जिन की अगर बात करें, सो मार्जिन में एक क्रिटिकल फैक्टर जो आता है, सबसे पहले बात करें हेयर कट के बारे में। सो म्यूचुअल फंड्स को अगर आप प्लेज करते हो तो यहाँ पे हेयर कट काफी ज्यादा है, 25% के आसपास है। सो आप देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड्स पे 25% हेयर कट है। दूसरा चीज अगर हम लोग देखेंगे, बाकी अदर स्टॉक्स में भी आप देखेंगे, जनरली मैंने देखा है कि हेयर कट इज अराउंड 20%। सो साइजेबल जो है हेयर कट जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया स्टॉक्स के बारे में। और ये कैश कंपोनेंट पे भी आप देखेंगे तो खाली लिक्विड 20 को कंसिडर किया जाता है और एक दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मनी मार्केट फंड्स वो सबको ये लोग कैश के तरह ट्रीट नहीं करते और SGBs को ट्रीट किया जाता है। सो यहाँ पे हेयर कट्स भी मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे जो है 10% के आसपास हेयर कट है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये चीज अगर आप जीरोधा में, सो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर काफी अच्छा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिक्विड 20 पर अराउंड 8% का हेयर कट होता है। मनी मार्केट फंड्स जो लिक्विड 20 से काफी टैक्स एफिशिएंट होते हैं और हायर रिटर्न भी देते हैं, वहां पे 10% का हेयर कट है। ये फीचर तो फिनवेशा में होना ही चाहिए था, जहाँ पे आपके रिटर्न जो है 1-2% से इंप्रूव हो जाते हैं, प्लस अगर आप 3 साल के ऊपर रखते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आपको जो है मनी मार्केट फंड्स में मिलते हैं। सो लिक्विड 20% मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट वो जबरदस्ती मुझे रखना पड़ता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी यूज हो जाती है, अगर 25 लाख आप पार्क कर रहे हो तो 25 से 50 हजार का कॉस्ट आपको पड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए, जस्ट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिक्विड 20 में क्या होता है कि यू जस्ट कीप ऑन गेटिंग एवरी वीक आपको एडिशनल यूनिट्स मिलते हैं जो टैक्स एफिशिएंट नहीं होते। सो या सो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी स्टॉक्स में भी जो है जीरोधा की काफी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है टर्म्स पे। दूसरा बात आता है कि मार्जिन के टर्म्स पे कि क्या ऑर्डर टू ऑर्डर ये डिफर करता है क्या। सो अगर हम लोग देखेंगे जीरोधा पे, अगर मैं बास्केट ऑर्डर करता हूँ, सो मार्जिन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सो सपोज वी आर सेलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, एक स्ट्रैंगल पोजीशन में एंटर कर रहा हूँ, सो 18,000 कॉल एंड 17,500 पुट, सो इसमें 40-40 लॉट अगर मैं एंटर करता हूँ तो जीरोधा में एट टाइम ऑफ प्लेसमेंट 44 लैक्स 77,000 के आसपास मार्जिन चाहिए, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो आपको प्रीमियम कलेक्ट करते हो वो मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, तो 43 लैक्स हो जाता है। ये चीज अगर मैं शून्य प्लेटफॉर्म में देखता हूँ, सो मार्जिन का जो है थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है, अराउंड आप बोल सकते हो 5% का डिफरेंस काफी बार आ जाता है। सो यहाँ पे जो है आपको फुल 45 लैक्स के आसपास मार्जिन यूज हो रहा है, तो यस जीरो मतलब फिनवेशिया के अंदर जो है थोड़ा सा हर ऑर्डर में वो मार्जिन ज्यादा लेते हैं, बट आप देखेंगे तो यहाँ ये फिनवेशिया जो है रिस्क मैनेजमेंट के टर्म्स पे काफी ही मतलब डिसिप्लिन्ड है। सो ये लोग ने क्या किया रिस्क मैनेजमेंट के मामले में, आप जो है हेज लेग एग्जिट नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे मैंने 17,600 का पुट बेचा हुआ है एंड 17,500 का पुट खरीदा हुआ है, और मतलब मैंने फुल मार्जिन अकाउंट का यूज कर लिया, सो मैं हेज लेग को पहले एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरे को पहले अपनी मेन पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हेज लेग एग्जिट कर सकता हूँ। सो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में वो काफी तगड़े है। मेन इशू सबसे ज्यादा क्या आता है कि फिनवेशा जो है होल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे, मैंने ऑलमोस्ट 50% जो है लिक्विड पीस के अंदर रखा हुआ। आप इंट्राडे करें, ओवरनाइट करें, पोजिशनल करें, कुछ भी करें, आपको जो है 50% कैश मेंटेन करना पड़ता है, कैश या तो फिर कैश इक्विवेलेंट जो आप प्लेज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लिक्विड पीस। जीरोधा के अंदर वो चीज नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे मेरे पास फंड्स ही नहीं है, बट मैं पूरा की पूरा जो है इंट्राडे बेसिस पर अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं ये पूरा मार्जिन यूज कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ओवरनाइट के लिए भी कर सकता हूँ, बट ओवरनाइट पे जो भी कैश कंपोनेंट होता है, सपोज मैं 20 लैक्स का मैंने ट्रेड लिया जीरोधा के अंदर,
तो 10 लाख रुपए का इक्विटी मार्जिन मेरा यूज होगा एंड 10 लाख रुपीज का जो है उसपे मेरे को एडिशनल जो कैश कंपोनेंट में आना चाहिए तो उसपे 0 से 18% पर मंथ यानी पर लाख 50 रुपीज वो चार्ज करता है। सो वो जो है फिनवेशा में पॉसिबल ही नहीं, आप कैश के बिना जो है वो ना ट्रेड ही नहीं लेके जा सकते हो। सो वो एक अच्छी चीज भी बुरी भी चीज है, बट रिस्क मैनेजमेंट के टर्म्स पे वो लोग ने काफी तगड़ा रखा है क्योंकि वो लोग ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते, तो ब्रोकर ने अपना प्रोटेक्शन पहले रखा हुआ है, जो कोई भी अगर ब्रोकरेज चार्ज करने वाले फॉर्म को वो चीजें नहीं कर सकते वो लोग, राइट। या अपार्ट फ्रॉम दिस टर्मिनल की बात करें तो जीरोधा का टर्मिनल है ही नहीं। वो लोग बहुत पहले पाई करके उनका टर्मिनल हुआ करता था, बट एट प्रेजेंट उनका टर्मिनल है ही नहीं। जीरोधा का खुद का शून्य का टर्मिनल है, जैसे नेस्ट टर्मिनल होता है वैसे उनका खुद का है, वो काफी स्मूथ टर्मिनल है। मैं पर्सनली टर्मिनल यूज नहीं करता, मुझे काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आप बहुत बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हो और आपको अगर जमता है टर्मिनल तो काफी ही अच्छा है। कस्टमर सपोर्ट की बात करें सो कस्टमर सपोर्ट के टर्म्स में आप बोलेंगे तो दोनों ही हॉरिबल है, जीरोधा और फिनवेशा। मतलब दोनों की तरफ से आपको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। फिनवेशा का जो है एट टाइम्स मतलब जब मार्केट डाउन हुआ था उसके मतलब मैंने ट्राई किए थे कस्टमर सपोर्ट तो उनका बंद था, बट वो तो जीरोधा के केस में भी जो है मतलब काफी वेटिंग एरिया होता है, उनके बाद में सपोर्ट के रिप्लाई आ जाते हैं, बट अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे बहुत ही अर्जेंसी में कुछ काम हो तो फिर आप दोनों ही ब्रोकर पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको फुल सर्विस ब्रोकर में ही जाना पड़ेगा अगर आपको सर्विस चाहिए, कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर में वो चीज नहीं होती है। मैं इनफैक्ट जीरोधा और फिनवेशा दोनों के केस में अगर आप थोड़ा हायर चार्ज देके भी अगर वो लोग आ रहे हैं वो सब प्रोवाइड करते तो काफी अच्छा ऑप्शन था, बट आई थिंक दोनों ही नहीं है। दूसरा चीज बात करें कि फिनवेशा के टर्म्स पे आपको ऑल्टरनेटिव क्या है। सो ये देखिए आप कोई भी ब्रोकर देख सकते हैं, अगर आपको फिनवेशा नहीं करना है, मैंने खाली फिनवेशा को चूज किया था क्योंकि वो जीरोधा से काफी सिमिलर इंटरफेस था, और कैसा होता है कि आप काफी टाइम से कोई चीज यूज कर रहे हो, आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो वो सब करते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग वो सर्टन टाइप के स्ट्राइक्स वो सब पे ऑटोमेटिकली जाता है। सो उसके लिए मैंने चूज किया था। इनफैक्ट आप देखेंगे आपको बड़े ब्रांड में जाना है तो कोटक है, एमस्टॉक जो मेराय करके काफी बड़ी फर्म है उनका भी प्लेटफॉर्म है, और काफी सारे आज के टाइम पे तो प्लेटफॉर्म्स आ गए जो मतलब लेस चार्जेस में करते हैं। अगर आपका ब्रोकरेज प्राइम कंसर्न है तो फिनवेशिया इज वन ऑफ द फाइनेंस ब्रोकर एज सच। इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बाद भी अगर आप बोलेंगे तो काफी ही स्मूथ है, मतलब इन टर्म्स मतलब मेरे को आज तक मतलब काफी टाइम से अभी 6 महीने से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपको ऑब्वियसली जो है आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स करते हैं आपका ब्रोकरेज में ही मेजर प्रॉफिट चला जाता है फिनवेशिया, या तो आप कोई भी लो कॉस्ट प्रोवाइडर में आप शिफ्ट कर सकते हैं। काफी ब्रोकरेजेस ऐसे भी होते हैं जो 1,000 2,000 पर मंथ में भी काम करते हैं, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। जीरोधा से ये मतलब कंपेरेबल ऑनेस्ट लेवल पे बोलूंगा तो नहीं है, बट अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखेंगे तो फिर मतलब काफी कुछ मैनेज हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं हमेशा जीरोधा प्रेफर करूंगा, बट ट्रेडिंग में यहाँ पे बुरा ऑप्शन नहीं है, सो इट्स क्वाइट डिसेंट। मैं पर्सनली काफी सेटिस्फाइड हूँ ब्रोकर से, ऑब्वियसली ये सब चीजों पे भी अगर वर्क करेंगे तो फिर ये काफी इंप्रूव हो सकता है, बट नॉर्मल ट्रांजेक्शन में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सो थैंक यू सो मच एवरी वन।